एक नाम जो हमारे अपने सूबे मध्य प्रदेश का, जिसका ताल्लुक आदरणीय दीप शिखा सागर साहिबा, एक ऐसी कवित्री, ऐसी शायरा, जब पूरी तरह से तय हो जाता मुशायरा या कवि सम्मेलन इस तरह का है जहां पर शायरी सुनी जाएगी, तब उनकी स्वीकृति प्राप्त होती है। एक गजल का मजमुआ जिसका नाम है उफ, और एक कई गीतों के मजमुए मंजरे आम पर आ चुके हैं। उनकी शायरी हिंदी हो या उर्दू, दोनों जबानों में मुश्तरका उनकी एक कमांड हासिल है और बहुत खूबसूरत अशार पढ़ती हैं। मैं बिना किसी तमहीद और ताखीर के इन अशार के साथ उन्हें दावत आमादा सुखन करना चाहता हूँ कि बारिशे संगे मलामत में भी वो हमरा है, बारिशे संगे मलामत में भी वो हमरा है, मैं भी भीगूं वो भी पागल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। दोस्तों वो एहसास की शायरी हिंदी हो उर्दू दोनों जबानों में वो गीत भी पढ़ती हैं, गजल भी सुनाती हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, आप उन्हें कितना और क्या सुनना चाहते हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा दीप शिखा साहिबा साहिबा माइक्रोफोन पर। माँ वाणी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरे उस्ताद इरफान झासवी साहब स्टेज पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में नमन करती हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। जब तिवारी जी अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे तो दो पंक्तियाँ उसी समय मेरे दिमाग में चली, शायद मैं उनकी भावनाओं को अगर स्वर दे पाई तो उनसे दाद चाहूँगी कि ख्यालों में अभी तक भी वही मंजर जवां है जहाँ, कि ख्यालों में अभी तक भी वही मंजर जवां है जहाँ, तुम्हारा पास से होकर गुजरना मुस्कुराना सांस का मेरी, तुम्हारा पास से होकर गुजरना मुस्कुराना सांस का मेरी। और मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक भी अपनी श्रीमती जी को अपनी सांसों में बसा रखा है। इस पंक्ति पे आप सबकी तालियां बनती थी क्योंकि ये सरोज जी के लिए थी ये पंक्तियां। और अभी नू भाई ने इनकी तरफ से कहा था और मैं सरोज जी जो वहाँ हैं ऊपर स्मृतियों में आप सबकी अभी तक भी जिंदा हैं, वो अगर होती या अगर वो ऊपर से देख रही हैं तो वो क्या कहती, ये मैं चार पंक्तियों में आप सबके सामने रखना चाहूँगी। स्वागत कि गुलाबों के हसी पैकर से घर गुलजार कर लेना, गुलाबों के हसी पैकर से घर गुलजार कर लेना और शिवालय में हृदय के रूह का श्रृंगार कर लेना, गुलाबों के हसी पैकर से घर गुलजार कर लेना और शिवालय में हृदय के रूह का श्रृंगार कर लेना, जो दिल में हूक उठे याद मेरी हद से बढ़ जाए, जो दिल में हूक उठे याद मेरी हद से बढ़ जाए तो अपने आप को जी भर के उस दिन प्यार कर लेना, मुझे लगता है कि सरोज जी ये जरूर चाहती होंगी आपसे। और मेरा निवेदन है कि हमेशा खुश रहें आप, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप आपके बच्चे हमेशा हमेशा सुखी रहें। और बस अब यहाँ से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, चार मिसरे उस परवरदिगार की बारगाह में। फलक चांद और कहकशां में भी तू है, फलक चांद और कहकशां में भी तू है, हर एक रोशनी के निशा में भी तू है, फलक चांद और कहकशां में भी तू है, हर एक रोशनी के निशा में भी तू है, जमी आसमां से मकाला मका तक, जमी आसमां से मकाला मका तक, भजन कीर्तन और अजा में भी तू है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और देखें, हिंदी के बहुत बहुत बड़े लोगों से संपर्क बताया तिवारी जी ने, तो चार हिंदी के मिसरे देखें कि सपनों का तर्पण करना है नींदों को समझाना है, सपनों का तर्पण करना है नींदों को समझाना है, खुशियों का दिल की बस्ती से होता दूर ठिकाना है, कि सपनों का तर्पण करना है नींदों को समझाना है, खुशियों का दिल की बस्ती से होता दूर ठिकाना है
और सन्नाटों को गले लगाकर पीड़ा करती है रुदन कि सन्नाटों को गले लगाकर पीड़ा करती है रुदन और छल का दूजा नाम प्रेम है। अब जाकर यह जाना है वा, वा, कि छल का दूजा नाम प्रेम है। अब जाकर यह जाना है। चार मिसरे और देखें कि रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक, रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक जुदा कोई कहां मन से हुआ था। वाह। कि रहा रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक जुदा कोई कहां मन से हुआ था और फकत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, फकत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, मेरे अंदर भी कुछ छन से हुआ था। वा, वा, कि मेरे वा, वा, अंदर भी कुछ छन से हुआ था। वा, चार मिसरे और देखें कि जुनून ने इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, जुनून ने इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, शबे फिराक मेरे घर ठहरने वाली थी। वाह। कि जुनून ने इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, शबे फिराक मेरे घर ठहरने वाली थी, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना, मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी। वाह वाह वाह। मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतला और चंद शेर देखें। इरशाद कि दिल का दरवाजा मुस्कुराया है, दिल का दरवाजा मुस्कुराया है, धड़कनों देखो कौन आया है। वाह 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 वाह। कि दिल का दरवाजा मुस्कुराया है, धड़कनों देखो कौन आया, धड़कनों देखो कौन आया है, और एक दूजे के हो गए हम तुम, एक दूजे के हो गए, एक दूजे के हो गए हम तुम, तुमने किस किस को ये बताया है। वाह 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 वाह। कि एक दूजे के हो गए हम तुम, तुमने किस किस को ये बताया है। और ये शेर बतौर खास देखें कि छत टपकती है उसकी तुमने जो, छत टपकती है उसकी तुमने जो, मेरी आंखों में घर बनाया है। हाय हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया। कि छत टपकती है उसकी तुमने जो, मेरी आंखों में घर बनाया है, दिल का दरवाजा मुस्कुराया है, धड़कनों देखो कौन आया है। एक गजल के चंद अशआर और देखें। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं लेकिन बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं। खैर पढ़े 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 पढ़े। एक एक बार दोस्तों जोरदार तालियां बजा दें, खूबसूरत गजल सुनेंगे आप। इसे हर तरफ हद्दे नजर है रेत का जंगल यहाँ, हर तरफ हद्दे नजर है रेत का जंगल यहाँ, पा नहीं सकता कोई प्यासा परिंदा जल यहाँ। अरे हाय हाय वाह वाह वाह। कि हर तरफ हद्दे नजर है रेत का जंगल यहाँ, और पा नहीं सकता कोई प्यासा परिंदा जल यहाँ। और वो पीछे बैठे बच्चों के लिए कि आग लग जाए तुझे ऐ इश्क तूने क्या किया, कि आग लग जाए तुझे इश्क तूने क्या किया, वो हुआ पागल उधर और मैं हुई पागल यहाँ। वाह वाह वाह। वो हुआ पागल उधर और मैं हुई पागल यहाँ। एक शेर बतौर खास देखें कि शिद्दते एहसास के मरकज पे ठहरी आशिकी, कि शिद्दते एहसास के मरकज पे ठहरी आशिकी, आँख उसकी नम हुई और बह गया काजल यहाँ। आँख उसकी नम हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। कि शिद्दते एहसास के मरकज पे ठहरी आशिकी, आँख उसकी नम हुई, आँख उसकी नम हुई और बह गया काजल यहाँ। और एक शेर कुछ नए तरीके से कहने की कोशिश की है, आप सब देखें कि रात दिन फिरते हैं डाकू दर्द का लश्कर लिए, रात दिन फिरते हैं डाकू दर्द का लश्कर लिए, कि रात दिन फिरते हैं डाकू दर्द का लश्कर लिए, है बहुत गुलजार तेरी याद का चंबल यहाँ। हाय हाय हाय। कि रात दिन, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया कि रात दिन फिरते हैं डाकू दर्द का लश्कर लिए, है बहुत गुलजार तेरी याद का चंबल यहाँ, और दूर तक हद नजर है रेत का जंगल। और एक गजल के दो एक शेर देखें। और हर एक मंजर पसे रुदात करके, हर एक मंजर पसे रुदात करके मैं हंस लेती हूँ उसको याद करके। वाह 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 कि हर एक मंजर पसे रुदात करके मैं हंस लेती हूँ उसको याद करके। और ये शेर बतौर खास है, अगर अलग सा मफहूम लगे तो दाद चाहूंगी सर आपकी। जो उतरा दर्द मैदाने वफा में, जो उतरा दर्द मैदाने वफा में तो लौटा है शतक नाबाद करके। वाह 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 वाह। जो उतरा दर्द मैदाने वफा में तो लौटा है शतक नाबाद करके। और एक गजल, मुकम्मल गजल, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी। कि तन्हाई में छुपकर रोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वाह। कि तन्हाई में छुपकर रोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और आंखों ने अब जलथल होना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कि आंखों ने अब जलथल होना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिसमें रहकर मुझको सारी दुनिया अपनी लगती थी, जिसमें रहकर मुझको सारी दुनिया, जिसमें रहकर सारी दुनिया मुझको अपनी लगती थी, उसके दिल का अब वो कोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कि उसके दिल का अब वो कोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक शेर और देखें कि ख्वाबों की ताबीर में जिस ख्वाबों की ताबीर में जिसकी नींद से अनबन होती थी, कि ख्वाबों की ताबीर में जिसकी नींद से अनबन होती थी, उन पलकों ने ख्वाब पिरोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कि उन पलकों ने ख्वाब पिरोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये शेर देखें कि मिट्टी बनकर जिस मिट्टी में मिट्टी का हो जाना है, कि मिट्टी बनकर जिस मिट्टी में मिट्टी का हो जाना है, उस मिट्टी की खातिर सोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कि उस मिट्टी की खातिर सोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये शेर देखें कि बेफिक्री की धूल उड़ाते दिल के सहमे बच्चे ने, दिल के बेफिक्री की धूल उड़ाते दिल के सहमे बच्चे ने, अरमानों की लाशें ढोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कि अरमानों की लाशें ढोना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और मक्ता देखें कि कल सपने में दीप शिखा जी बोली अब तो हमने भी, कि कल सपने में दीप शिखा जी बोली अब तो हमने भी, सबका सबकी सुनना सबका होना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बा, बा, छोड़ बा, दिया बा, तो छोड़ बा, दिया। बा, 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 बा,